हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णेय और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग, और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। दरअसल एक टैंक की है, और इसमें जो टैंक है नीचे कंक्रीट का बेस हमने डाला है, और इसमें जो वॉल है वो हमारी 30 सेंटीमीटर की है। नीचे जो ऑफसेट है वो 40 सेंटीमीटर का है, उससे नीचे ऑफसेट 50 सेंटीमीटर का है। और इस टैंक में हमने एक चीज़ रखी है कि जो भी हमारे ऑफसेट्स हैं वो दोनों तरफ भी हैं सेंटर लाइन के, और एक तरफ भी ऑफसेट है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड पर कि किस तरह से हम इस तरह के टैंक का एस्टीमेट करते हैं। और इसमें हमने सेंटर लाइन मेथड का खास तौर से यूज़ किया है। और जब भी इस तरह की कोई समस्या हो जिसमें कि ऑफसेट कई बार एक तरफ हो और कई बार ऑफसेट दोनों तरफ हो, खास तौर से फाउंडेशन में, तो वहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं वो सेंटर लाइन मेथड का यूज़ करते हैं। और इस मेथड से हम एस्टीमेट बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बोर्ड पर चलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से हम इसकी एस्टीमेटिंग करते हैं और किस तरह से हम इसकी कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बोर्ड पे चलते हैं। तो इसमें है एस्टीमेशन, एस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ, कॉस्टिंग ऑफ हमने जो इसमें लिया है मेसनरी, मेसनरी वाटर टैंक। ठीक है, एक एस्टीमेट किया है हमने इस तरह से। तो एक तरफ मैं इसका प्लान और इसकी ड्राइंग बना देता हूँ, और दूसरी तरफ मैं इसका एस्टीमेट करूँगा। ठीक है, तो देखो, एक हमने जो प्लान लिया है वो इस तरह से है। देखिए, बस आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर टैंक है, और इसमें जो बाहर जो वॉल है वो हमारी 30 सेंटीमीटर की है, इस तरह से। ये देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सपोज करें ये लंबाई हमारी 5 मीटर, ठीक है, और ये जो चौड़ाई है ये हमारी कितनी है, दिस इज़ 4 मीटर से, ठीक है। इसकी बाहर से बाहर तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 5.6 मीटर बाहर से बाहर तक हो गया, है ना। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है हमारा, दिस इज़ 4.6 मीटर, क्योंकि ये जो वॉल है हमारी ये कितनी है हमारी, दिस इज़ 30 सेंटीमीटर थिक वॉल, ठीक है। तो 5x4 का इस तरह से एक टैंक है हमारा। और इसका अगर हम बाई दी हुए यहाँ से सेक्शन काटें, इस तरह से मैंने एक सेक्शन काटा है इसका, ये पोर्शन हमारा क्या है, दिस वन इज़ ए और बी, ये हमारी सेक्शन लाइन है, ठीक है। तो अगर हम इसका सेक्शन बनाएं तो देखो, ये सेक्शन मैंने इस तरह से बनाया है, ये 30 की वॉल इस तरह से है। इसके बाद यहाँ पर जो ऑफसेट है वो 40 का है इस तरह से, और एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँगा। और इसके बाद यहाँ पर जो ऑफसेट है ये हमारा कितना है, 50 सेंटीमीटर, इसको हमने बिल्कुल सीधे कर दिया है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 40 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पर कितना है, दिस इज़ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने कंक्रीट का ब्लॉक डाल दिया इस तरह से। इसी तरह से हम देखें इधर का अगर प्रोजेक्शन डालें इस तरह से यहाँ, तो वॉल हमारी इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर सेक्शन काटा हमने, तो वॉल हमारी यहाँ इस तरह से आ गई 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर रद्दा हमारा 40 सेंटीमीटर जो दोनों तरफ है, और इसके बाद हमने इस लाइन को ऐसे कर दिया है। यहाँ पर ये 40 का रद्दा, फिर ये रद्दा हमारा 50 का है इस तरह से, ठीक है। और 50 के बाद ये यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया है 50, ठीक है। और फिर ये कंक्रीट यहाँ पर ये इस तरह से बाहर निकली हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बेस की कंक्रीट है हमारी इस तरह से, ये हमारी बेस की कंक्रीट है, ठीक है।
और बेस में जो कंक्रीट है वो यहाँ से हमने कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है ये मैंने, ये डायमेंशन 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 30 सेंटीमीटर है और ग्राउंड लेवल इसका यहाँ पर दे दिया है मैंने, ग्राउंड लेवल इसका यहाँ पर इस तरह से, दिस वन इज जी एल, यहाँ पर ये मैंने जी एल की पोजीशन ड्रॉ की है, जी एल माने ग्राउंड लेवल, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने चलो 1 मीटर हाइट बना दी यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से अगर आप इसको कर दें तो ये हमारा कितना है 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, दिस इज 1 मीटर, ठीक है। तो अब इसको हैचिंग कर दें यहाँ पर, ये 30 सेंटीमीटर की वॉल है, इस तरह से हो गया, ये 40 का रद्दा, फिर उसके नीचे 50 का रद्दा इस तरह से है, तो ये मैंने इस तरह से हैचिंग कर दी है यहाँ पर, ताकि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये जो कंक्रीट का जो बेस है ये हमने कितना रखा है, दिस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ जो कंक्रीट का जो ग्रेड है वो हमने लिया है, सपोज करें 1:2:4, ठीक है। अब ये देखेंगे यहाँ पर ये ऊंचाई ये हमारी हो सकता है ये 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम, ये जो है इसको हम फिर 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और चूंकि 30 है और 30 ये हो गया 60, और सपोज करें ये जो है ये हमारा 15 सेंटीमीटर है, दिस वन इज, ठीक है, और ये हमारा 30 सेंटीमीटर। तो हमने जो फाउंडेशन की गहराई ली है वो कितनी हो जाती है हमारी, फाउंडेशन की गहराई 15, 15, 30, 15, 30, 45 और 30, 75 सेंटीमीटर, यानी कि जो फाउंडेशन की गहराई है वो हमने कितने ली है, 75 सेंटीमीटर ली है, और यहाँ पर जो ऊंचाई है वो हमारी कितनी है, दैट इज़ 1 मीटर, ओके। तो हमें इसका जो एस्टिमेट करना है, और ख़ास तौर से एस्टिमेट हम इस लेवल तक करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है हमारी, 5 मीटर, ये इसमें दिया गया है यहाँ पर, ये 5 मीटर ये सेक्शन इसका काटा है जो मैंने नीचे, सो दिस वन इज व्हाट, ये मैंने प्लान कर दिया है, एंड दिस वन इज व्हाट, सेक्शनल एलिवेशन, इसको हम कहेंगे SECTIONL सेक्शनल एलिवेशन एट AB, ठीक है, AB पर हमने इसका सेक्शनल एलिवेशन यहाँ नीचे बना दिया है। अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से बाहर तक की डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, 5.6 मीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर ये है, 30 सेंटीमीटर 5.6, ठीक है। अब यहाँ सेंटर लाइन अगर हम करना चाहें इसकी, तो ये जो सेंटर लाइन है ये कहाँ पर आएगी हमारी, ये सेंटर लाइन 5.3 मीटर, ये सेंटर लाइन कितनी है हमारी, 5.3 मीटर इसके लिए। इसी तरह से अगर हम इसकी सेंटर लाइन निकालें तो इसकी सेंटर लाइन भी हमारी कितनी होगी, यहाँ पर 40 के लिए, चूंकि ऑफसेट दोनों तरफ बराबर हैं, तो ये भी सेंटर लाइन कितनी होगी हमारी, 5.3 मीटर ही होगी सेंटर लाइन, ठीक है। अब इस वाले रद्दे के लिए, 50 वाले रद्दे के लिए सेंटर लाइन निकालेंगे वो किस तरह से होगी, पहले हम बाहर से बाहर तक की डिस्टेंस निकाल लें, फिर उसमें हम सेंटर लाइन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा ये कितना है हमारा, 5.6 प्लस 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 5 सेंटीमीटर ये हो गया, यानी कि 5.7 प्लस ये 40 है ये 50 है, तो 10 सेंटीमीटर बाहर हो गया ये, ठीक है, और इधर भी 10 सेंटीमीटर बाहर हो गया। तो ऑफसेट कितने आ गए हमारे, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो ये जो 5.6 है इसमें हम क्या करेंगे, बाहर तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 5.9। तो यहाँ जो बाहर से बाहर तक की डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है, 5.9 मीटर, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ जो 50 का रद्दा है इसके बाहर तक, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ गई हमारी 5.9 मीटर, ये आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब ये जो 5.9 है इसमें से हम 25 यहाँ से कम करें, क्योंकि ये रद्दा कितने का, 50 का, तो 25 यहाँ से कम करें और 25 यहाँ से कम करें, यानी कि 50 हम इसमें कम कर लें, तो इसकी सेंटर लाइन यहाँ पर आ जाएगी ये, और ये सेंटर लाइन कितनी हो जाएगी हमारी, यानी कि 50 कम कर लें, ये हमारा 5.9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 कम करें
0.5 कम करें तो इट विल कम 5.4 मीटर। ये कितना आ जाएगा हमारा 5.4 मीटर। ये हमारी सेंटर लाइन यहाँ से यहाँ तक की कहलाएगी। तो 50 वाले रद्दे की सेंटर लाइन 5.4 मीटर, 40 वाले रद्दे के लिए सेंटर लाइन 5.3 मीटर और 30 वाले रद्दे के लिए भी 5.3 मीटर, क्योंकि यहाँ पर ऑफसेट हमारे क्या है, दोनों तरफ हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ऑफसेट एक ही तरफ हो गया है। तो इसमें देखेंगे जब ये 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल, और ये कितना हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रद्दा कितना है 40, ये 30 का है, ये 40 का है, तो 5 इधर और 5 इधर हो गए, लेकिन ये 40 का और ये 50 का है, तो ये 10 यहाँ पर रद्दा ये बाहर निकल गया, ऑफसेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, ये ड्राइंग आपको बिल्कुल क्लियर है कि किस तरह से पानी का एक हमारा टैंक बनाया गया है और इसका हमें एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो देखिएगा, हम सबसे पहले वही एस्टिमेटिंग टेबल कर लें, ESTIMATION एस्टिमेशन टेबल, TABLE एस्टिमेशन की जो टेबल है उसमें हम वैसे वास्तव में बनाते हैं तो उसको कैसे करते हैं, सीरियल नंबर इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ ये लाइन खींच दें, रेट हम यहाँ पर लगा देंगे बाद में। तो पहला हमारा क्या है, सीरियल नंबर, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम छोटा सा ले लिया है मैंने, फिर यहाँ पर लेंगे नंबर, फिर लेंथ, फिर आपका ब्रेथ, फिर आपका हाइट ऑब्लिक डेप्थ, ओके यहाँ कर दिया है मैंने, फिर यहाँ पर कर दिया है मैंने क्वांटिटी, ठीक है, और एक कॉलम यहाँ पर दिया है मैंने इसका रिमार्क का, REMARK रिमार्क, ठीक है। और इसमें जो चूँकि एस्टिमेटिंग हमारी टेबल है, एस्टिमेशन टेबल है, तो इसमें रेट को हम अलग ले लेंगे और उसके बाद सीधे हम इसकी कॉस्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो पहले मेन चीज़ क्या है एस्टिमेशन में, सबसे पहला क्या है, एक्सकेवेशन। तो जब एक्सकेवेशन का लिखेंगे स्पेसिफिकेशन, तो क्या लिखेंगे, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन और इन द नॉर्मल सॉइल, यानी साधारण मिट्टी में नींव की खुदाई का कार्य, यानी अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन फॉर द नॉर्मल सॉइल, ये हमारे इंग्लिश में हो गया। अब एक्सकेवेशन कितना करेंगे, तो एक्सकेवेशन कितना करेंगे, देखो ये बाहर से बाहर तक की डिस्टेंस अगर हम निकालें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, इसके बारे में आप देखिएगा, पहले डिस्टेंस निकाल लें। तो देखो यहाँ पर हमारे ऑफसेट कितने हैं, 5 और 10 15 और 15 30, इसी तरह से 5 और 10 15 और 15 30, तो 30 बाहर तक ये आ गया है, 30 इधर से बाहर तक आया, यानी कि 60, और ये हमारा कितना है 5 60 और 60 कितना हो गया हमारा 6 20। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी हो जाएगी, 6.2 मीटर। देखो कैसे निकाला हमने, ये ऑफसेट बाहर कितना है 5 सेंटीमीटर और 10 15 और 15 30, 30 यहाँ पर है और 30 इधर है, 5 और 10 15 और 15 30, यानी इस लाइन से बाहर की लाइन से 30 इधर और 30 इधर, यानी कि 60 एक्स्ट्रा करना है, और ये बाहर से बाहर तक की लंबाई कितनी है 5.6, तो 5.6 में 60 जोड़ दें तो कितना आ जाए 6.2 मीटर। तो इसी तरह से इधर जब हमारा कितना है 6.2, तो इधर कितना हो जाएगा 4 के बजाय 5.2, ठीक। तो यहाँ पर एक्सकेवेशन कितना करेंगे, 1, लंबाई कितनी है हमारी 6.2 मीटर 6.20, और चौड़ाई हमारी कितनी है, जब 5 मीटर की आ रही है हमारी 6.2, तो 4 मीटर की कितनी आ जाएगी 5.20 मीटर, है ना। अब इसके बाद ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई देखो कितनी है 15 15 30 15 30 45 45 और 30 75 सेंटीमीटर, यानी कि इट इज 0.75, ठीक है। अब देखो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन लिए मैंने कैलकुलेटर ले लिया ताकि इससे आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 6.2 इंटू 5.2 इंटू 0.75, तो इससे जो इसकी क्वांटिटी आ रही है वो आई है हमारी 24.18 मीटर क्यूब, ठीक है।
और यहाँ पर 6.2 कैसे आया हमारा कि 5.6 प्लस 0.3 प्लस 0.3 बराबर कितना हो गया 6.2 मीटर, और उसका करेंगे तो हमारा कितना है 4.6 प्लस 0.3 प्लस 0.3 यानी इट विल कम 5.2 मीटर। ये मैंने एक रिमार्क टेबल दे दी है यहाँ पर बहुत आसानी से, जो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा केस हमारा क्या है यहाँ पर ले लें हम सेकंड केस। पहला केस एक्सकवेशन हो गया, दूसरा केस हमारा ये कॉन्क्रीट का हो गया, तो इसको कह देंगे फाउंडेशन कॉन्क्रीट। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे क्या FOUNDATION फाउंडेशन कॉन्क्रीट। तो फाउंडेशन कॉन्क्रीट हमारी कितनी है 1:2:4 रेशियो की। 1:2:4 रेशियो का क्या मतलब है कि एक भाग सीमेंट, दो भाग आपका कोर सैंड और चार भाग हमारा कोर्स एग्रीगेट है। ठीक है, तो ये कितना है एक, लंबाई कितनी है इसकी वही आपकी 6.2 और चौड़ाई 5.2 और ऊंचाई कितनी है हमारी 0.3। तो इसको अगर हम करें तो यहाँ जाएगा 6.20, 5.20 और 0.30। तो इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम तो 6.2 इंटू 5.2 इंटू 0.3 तो आंसर आ जाएगा इसका 9.67। कितना है हमारा 9.67 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी जो कंक्रीट का वर्क है वो हमारा किस में मेजर किया जाता है, क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। एक मोटा सा अनुमान है कि कोई भी चीज़ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है उसको क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, कोई भी चीज़ अगर पतली है उसकी लंबाई और चौड़ाई है तो उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, और कोई भी चीज़ जिसकी केवल लंबाई लंबाई है और उसकी चौड़ाई उसकी मोटाई बहुत कम है तो हम उसको रनिंग मीटर में मेजर कर लेते हैं। ये बहुत मोटा सा एक अनुमान है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ब्रिक वर्क है वो नंबर्स में मेजर कर लेते हैं, सीमेंट के जो बैग्स हैं वो हम नंबर्स में मेजर करते हैं, कुछ आइटम ऐसे हैं जो नंबर्स में मेजर करते हैं, कुछ आइटम ऐसे हैं रनिंग मीटर में मेजर करते हैं, कुछ आइटम ऐसे हैं जिनको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, कुछ आइटम ऐसे हैं जिनको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। जैसे खुदाई का काम है वो हमारा क्यूबिक मीटर में है क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, कॉन्क्रीट का वर्क है वो हमारा क्यूबिक मीटर में होता है, ब्रिक वर्क है वो हमारा क्यूबिक मीटर में होता है, RCC का वर्क है वो हमारा किस में है क्यूबिक मीटर में होता है। इसके साथ साथ जैसे फर्श का काम है वो हमारे स्क्वायर मीटर में, DPC का काम है वो हमारे स्क्वायर मीटर में, प्लास्टर का वर्क है वो हमारे स्क्वायर मीटर में है, पेंटिंग का कार्य है तो उसमें कोट को हम स्पेसिफाई कर देते हैं, एक कोट की सफ़ेदी है, दो कोट की सफ़ेदी है, एक कोट की पेंटिंग है या दो कोट की पेंटिंग है, हम उसको स्क्वायर मीटर में मेजर कर लेते हैं। इसी तरह से हमारा वाइट वॉशिंग है या प्लास्टर वर्क है, फ्लोरिंग का वर्क है, कौन सा हमारा स्क्वायर मीटर में है। ठीक है, रनिंग मीटर में जैसे हम कोई पाइप है, कोई बारबेड वायर है, कोई कटीला तार है, उसको हम रनिंग मीटर में मेजर कर लेते हैं। स्टील का जितना भी आइटम है वो हम किस में मेजर करते हैं, केजी में या कुंटल में मेजर करते हैं। ठीक है, तो एक जनरल सा आइडिया है जो मैंने आपको दे दिया है। तो यहाँ पर हमने कंक्रीट का वर्क किस में किया, फाउंडेशन कंक्रीट, इट इज़ मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। और जो तीसरा आइटम है ये बहुत अच्छा है जिसको हम कहते हैं ब्रिक वर्क। यहाँ पर हमें बहुत छोटा सा स्पेसिफाई कर दिया है ब्रिक वर्क, और क्या है 1:6 सीमेंट मोर्टार। ठीक है, और इसको मैंने लिया है दिस इज अप टू GL, ये मैंने ग्राउंड लेवल तक एक आइटम माना है और ग्राउंड लेवल से ऊपर हमने एक सेकंड आइटम माना है। तो ग्राउंड लेवल के नीचे मेन काम है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ग्राउंड लेवल के नीचे ऑफसेट्स हमारे दोनों तरफ भी हैं और एक तरफ भी हैं। तो पहला रद्दा 50 सेंटीमीटर वाला, दूसरा 40 का और तीसरा हमारा क्या है 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो पहला रद्दा फर्स्ट कोर्स पहला क्या है 50 सेंटीमीटर वाइड कोर्स, CORSE कोर्स माने 50 सेंटीमीटर का रद्दा। तो 50 सेंटीमीटर रद्दा है, इसकी सेंटर लाइन हमने कितनी निकाली है 5.4 मीटर। कितनी निकाली है 5.4 मीटर, देखो यहाँ शो किया ना मैंने 5.4 मीटर। ठीक है, कैसे निकाला, बाहर से बाहर तक की डिस्टेंस निकालो और उसमें से 25 यहाँ से कम करो, 25 यहाँ से कम करो, सेंटर लाइन मिल जाएगी आपकी 5.4 मीटर। तो जब 5 मीटर है तो 5.4 आ रहा है, तो 4 मीटर है तो 4.4 आ जाएगा। और सेंटर लाइन कैसे निकलेगी, चारों तरफ ऐसे 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 और इस तरह से। तो सेंटर लाइन कैसे होगी इसकी, ऐसे यानी ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ पर लिख दें सेंटर लाइन, CENTRE सेंटर लाइन क्या हो गया हमारा 2 इंटू 5.4 प्लस 2 इंटू 4.4,
तो ये कितना हो गया हमारा बराबर 10.8 प्लस 8.8, तो 10 और 8 18 19.6 मीटर। देखो 5.4 का डबल करेंगे तो 10.8 और 4.4 का डबल करेंगे तो इट इज़ 8.8, तो 10 और 8 18 और ये हो जाएगा हमारा एक और जोड़े 1.6 तो इट इज़ 19.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो लंबाई बैठी सेंटर लाइन 19.6, तो पहला कोर्स में एक यहाँ पर 19.6 लंबाई हो गई ना, 19.60 कर लिया। रद्दे की चौड़ाई कितनी है 0.50 और इस रद्दे की ऊंचाई कितनी है दैट इज़ 0.15। ये सब मीटर में है तो हम इसको कर लेते हैं, इट इज़ 19.6 इंटू 0.5 इंटू 0.15, तो आंसर आ रहा है इसका 1.47 क्यूबिक मीटर, 1.47 मीटर क्यूब। यानी पहले रद्दे में जो 50 सेंटीमीटर वाला रद्दा है इसमें जो ब्रिक वर्क है हमारा कितना है 1.47 क्यूबिक मीटर। दूसरा रद्दा हमारा क्या है यानी कि 40 सेंटीमीटर वाइड कोर्स, ये भी एक है हमारा। अब इसकी सेंटर लाइन क्या है हमारी, इस 40 वाले रद्दे की सेंटर लाइन क्या है, बाहर से बाहर तक निकालें उसमें से 20 कम करें और 20 यहाँ से कम करें। अब देखेंगे जो 30 की जो हमारी सेंटर लाइन है वही सेंटर लाइन हमारी 40 वाली, क्यों, क्योंकि इसमें ऑफसेट दोनों तरफ है। तो सेंटर लाइन हमारी ये वाली हो गई ना, तो ये लंबाई कितनी हमारी 5.3 सेंटर लाइन। तो यहाँ पर टोटल सेंटर लाइन हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 × 5.3 प्लस 2 × 4.3, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, कि जब 5 मीटर है तो इसकी सेंटर लाइन आ रही है 5.3, यहाँ पर ये सेंटर लाइन यहाँ कर दें हम, तो दिस वन इज 5.3 मीटर अप टू दिस, ये सेंटर लाइन है इसकी यहाँ पर, तो वो कितना है 5.3, तो नेक्स्ट कितना आएगा 4.3, तो इसको बराबर कहें कितना हो जाएगा 10.6 प्लस 8.6, इट विल गो हाउ मच 19.2 मीटर। तो यहाँ पर ब्रिक वर्क कितना हो गया 1 × 19.20 और रद्दे की चौड़ाई कितनी है 0.4 और रद्दे की ऊंचाई कितनी है 0.15, तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 19.2 × 0.4 × 0.15, तो इससे इसका आंसर आ रहा है 1.15, हमने दो डिजिट में ही लिया है केवल 1.15 मीटर क्यूब, यानी ये दूसरे रद्दे का जो काम है वो 1.15 मीटर क्यूब है इस 40 सेंटीमीटर वाले रद्दे का, 40 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले रद्दे का। अब हम आते हैं कौन सा ये तीसरा रद्दा है, थर्ड कौन सा है, 30 सेंटीमीटर वाइड कोर्स और ये मैंने कर दिया अप टू GL, अप टू ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल तक हमने कहाँ तक लिया, केवल 15 सेंटीमीटर तक लिया है, बाकी चिनाई का काम हम बाद में इसको ले लेंगे। तो अब देखें ये कितना है हमारा, इसकी सेंटर लाइन कितनी है 5.3, तो इधर होगा 4.3, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों की सेंटर लाइन 30 के रद्दे की और 40 के रद्दे की जो सेंटर लाइन है वो सेम होगी क्योंकि दोनों के अंदर किसी तरह की एसेंट्रिसिटी नहीं है। तो यहाँ पर 1 30 वाले रद्दे का और फिर 19.20, 0.30 और 0.15, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो 19.2 × 0.3 × 0.15, इसको मैंने किया है तो इसका आंसर आ रहा है 0.86, कितना आ रहा है 0.86 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसको हम टोटल कर लें तो हमारा ब्रेक वर्क आ जाएगा कि टोटल हमारा ब्रेक वर्क खास तौर से ग्राउंड लेवल तक कितना है, तो टोटल हमने इन तीनों का टोटल किया, तो यहाँ पर मैं करता हूँ 0.86 प्लस 1.15 प्लस 1.47, तो यहाँ पर आ गया 3.48, कितना आ गया 3.48 मीटर क्यूब, 3.48 मीटर क्यूब ये हमारा ब्रिक वर्क है कहाँ तक, ग्राउंड लेवल तक, ठीक है। फोर्थ आइटम भी हम इसका बना सकते हैं, चौथा आइटम क्या है हमारा, सेम कर लें ब्रिक वर्क और 1:6 सीमेंट मोर्टार और हमने इसको कर दिया एवब GL यानी ग्राउंड लेवल के ऊपर, ठीक। अब ग्राउंड लेवल के ऊपर कौन सा है, यही है ना, इतना पोर्शन है केवल और सेंटर लाइन में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर देखें 1
19.20, 0.30, ठीक है, 19.2 ये टोटल सन टाइम की लंबाई, चौड़ाई का रद्दा कितना है 0.3 और ऊंचाई कितनी है, इट इज़ 1.00। यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है वो हमारी कितनी है, दैट इज़ 1 मीटर। ओके, तो जब इसको 1 मीटर से करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 19.2 इंटू 0.3 इंटू 1, इट इज़ 5.76। यहाँ पर जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 5.76 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 5.76 मीटर क्यूब हमारा ये क्या हो गया, दिस इज ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर कह सकते हैं अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखेंगे एस्टीमेट बहुत आसान है, ये एस्टीमेट की हमारी एक टेबल है, इसमें रिमार्क का कॉलम ज़रूरी है। तो अगर हम इसकी कॉस्टिंग भी करें तो चलिएगा यहीं पर हम कॉस्टिंग भी कर लें, तो एक कॉस्टिंग मैं यहीं कर दूँ। कॉस्टिंग के लिए वैसे तो टेबल अलग बनती है, लेकिन चूँकि जगह कम है तो मैं इस टेबल को केवल इसी तरह से ले लेता हूँ। यहाँ पर कॉस्टिंग में हम इसी तरह से बना लें, आइटम क्वांटिटी कर देता हूँ मैं, यहाँ आइटम क्वांटिटी और यहाँ मैंने रेट कर दिया है और सीधे अमाउंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जो आइटम हमारा पहला आइटम है तो आइटम की क्वांटिटी मैंने ही कर दी है सीधे। पहले आइटम की क्वांटिटी कितनी हमारी, 24.18, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है 24.18 मीटर क्यूब। पहला आइटम यही है ना पहला, यहाँ मैंने क्या किया है, हालांकि इसमें जो बनता है कॉस्टिंग की टेबल तो उसमें सीरियल नंबर है, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम है ना, फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी है, फिर रेट है ना, फिर उसकी यूनिट क्या है, एंड देन अमाउंट, एंड लास्ट में फिर टोटल अमाउंट कितना है। ओके, तो चलिएगा यहाँ पर मैं टेबल थोड़ी छोटी कर दी ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो 24.18 क्यूब मीटर, इनका रेट मान के चले हम सब पूछ रहे हैं 90 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसको देखें आप, 24.18 इंटू 90 से अगर हम सीधे मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2176.2। कितना आ रहा है, 2176। हमने इसको कर लिया है वैसे, हालांकि आ रहा है 2176.20, हमने इसको 2176 मान लिया है। और यहाँ पर दूसरा आइटम हमारा कितना है, दैट इज़ 9.67 मीटर क्यूब, और मान लीजिए इसका जो रेट चल रहा है वो हमारा सपोज करें 5000 रुपये चल रहा है, 5000 रुपये पर क्यूबिक मीटर जो कंक्रीट का वर्क है। तो हमने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 5000 इंटू 9.67। ओके, तो आंसर इसका आ रहा है 48350 है ना। तीसरा हमने यही लिया है, दैट इज़ व्हाट, ब्रिक वर्क है ना, तो इट इज़ 3.48। ये कितना आपका 3.48 मीटर क्यूब, और यहाँ पर इसका रेट अगर मैं मान लूँ 4000 रुपये पर क्यूबिक मीटर, तो देखना इसका कितना आंसर आता है, 3.48 इंटू 4000, तो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 13920 रुपये। ठीक है, और जो हमारा चौथा आइटम है वो कितना है हमारा, ब्रिक वर्क है, 5.76 मीटर क्यूब है ना, इसका रेट अगर हम मान लेते हैं 4200 रुपये पर मीटर क्यूब। ये हमारा रेट क्यों बढ़ गया है, कि ग्राउंड लेवल के जो नीचे वर्क करते हैं तो बैठ के लेबर काम करती है तो काम जल्दी हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, रेट हमने थोड़ा कम दिया है, और जैसे हम सुपरस्ट्रक्चर में जाते हैं तो वहाँ पर ऊंचाई बढ़ती है तो लेबर जो है कम काम कर पाती है, रेट हमारा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उनको शटिंग करनी पड़ती है, स्कैफ फोल्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है, मसाले को ऊपर रखने के लिए खड़े होकर काम करना पड़ता है, तो लिहाजा उसमें कम समय में हमारा काम जो है कम होता है, ज़्यादा समय में भी कम काम होता है, तो इसमें हमने रेट थोड़ा ज़्यादा लिया है 4200। तो अब आप देखेंगे 5.76 इंटू 4200, तो ये आ रहा है हमारा, चलो इसमें 20 पैसे हमने काट दिए हैं, नहीं सॉरी 20 पैसे नहीं है, ये आ रहा है हमारा 24192। ठीक है, 24192 रुपये। तो अब हम इसका यहीं टोटल कर दें,
अगर यहाँ पर मैं टोटल कर दूँ तो अभी मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि किस तरह से हम इसका एरिया के आधार पर हम इसको निकालेंगे। तो हम इसका टोटल करें 2176 प्लस 48350 प्लस 13920 और प्लस 24192। तो देखो इसकी जो कॉस्ट आ गई है वो 88638 रुपीज़, ठीक है, ये इसकी कॉस्ट आई है वो 88638 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पर ये इसकी कॉस्ट आ गई है। अब अगर वो कहते हैं कि इसका हमें रेट निकालना है, रेट क्या निकालना है, पर स्क्वायर मीटर पे रेट निकालना है, क्या निकालना है, पर स्क्वायर मीटर पे रेट निकालना है। तो अब देखो रेट पर स्क्वायर मीटर, यहीं मैं कर देता हूँ इसको यहाँ की रेट, और ध्यान से देखना रेट पर मीटर स्क्वायर बराबर, रेट पर मीटर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है, रेट पर मीटर स्क्वायर कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर ये हमारा कितना है 88638 डिवाइड जो इसका प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया माने इस ग्राउंड लेवल पर, प्लिंथ लेवल पर इसका एरिया कितना है, उसका एरिया कितना है 5.6 इंटू 4.6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5.6 इंटू 4.6, तो हमें यहाँ पर जो रेट मिल जाएगा 88638 डिवाइड 5.6 एंड डिवाइड 4.6। तो ये जो आंसर आ रहा है इसका लगभग 3441 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, कितना आ रहा है 3441 रुपये, और ये क्या आ रहा है हमारा पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब रेट को पर स्क्वायर फिट में हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि रेट पर स्क्वायर फिट, तो पर स्क्वायर फिट का मतलब क्या है, एक फिट बाई एक फिट, यानी कि प्लिंथ एरिया हमारा क्या है अगर स्क्वायर मीटर में तो है, और हम इसको स्क्वायर फिट में भी करते हैं तो एक स्क्वायर मीटर में कितने होते हैं 10.76 स्क्वायर फिट, ठीक है, एक वर्ग मीटर में 10.76 स्क्वायर फिट, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे 3441 डिवाइड 10.76, तो अगर हम इसको करें 3441 डिवाइड 10.76 तो इसका मान आ जाएगा हमारा 319.8 कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 319.8 और इक्विवेलेंट हम इसको कर लें तो इट इज़ से 320 रुपये पर स्क्वायर फिट, यानी कि अगर हम इसका एरिया कितना लेकर चलें, एक स्क्वायर फिट लेकर चलें, एक फिट बाई एक फिट लेकर चलें, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो 320 रुपये पर स्क्वायर फिट, ठीक है। इसी को अगर हम रेट निकालें पर रनिंग मीटर में, कितना निकालें रेट पर रनिंग मीटर में, किसमें निकालें रनिंग मीटर में, तो रनिंग मीटर में रेट निकालें क्या करेंगे, हमारा टोटल कॉस्ट कितनी आई है 88638 डिवाइड, अब देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है, हम देखेंगे सेंट्रल लाइन की लंबाई कितनी है 5.3 प्लस 5.3 10.6 हो गया, और ये वो 4.6 प्लस 4.6, टोटल सेंट्रल लाइन की लंबाई कितनी हो गई हमारी, सेंट्रल लाइन की जो लंबाई निकाली थी हमने, यहाँ निकालें सेंट्रल लाइन कितनी आई थी हमारी, यानी 2 × 5.3 प्लस 2 × 4.3 इट विल कम 10.6 प्लस 8.6 तो हमारा आया 19.2 मीटर, है ना, तो इसको हम 19.2 से डिवाइड कर देंगे तो इट इज 88638 डिवाइड 19.2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4616 पर मीटर, यानी कि अगर वॉल की लंबाई हमारी कितनी है 19.2 मीटर, हमारी सेंट्रल लाइन की लंबाई कितनी आई थी 19.2 मीटर, तो उसमें हमारी कॉस्ट कितनी आई 88638 रुपये, तो अब एक मीटर का रेट कितना हो गया 4616 रुपये पर मीटर, और अगर हम लिखें इसका रेट, रेट पर फिट, तो रेट पर फिट में क्या करेंगे, यानी कि जो एक मीटर लंबाई है उसको फिट में कन्वर्ट करें तो एक मीटर में कितना 3.28 फिट होते हैं,
एक मीटर में 3.28 फिट होते हैं, तो 3.28 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4616 डिवाइड 3.28, तो 4616 डिवाइड 3.28, तो इससे इसका आंसर आ जाएगा 1407 रुपीस पर फिट। यानी कि अगर किसी वॉल की लंबाई हमारी कितनी है, दैट इज़ 1 फिट, है ना, और स्पेसिफिकेशन अगर हम ये लेके चलें तो उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1407 रुपये पर फिट। तो ये मैंने तीनों कंडीशन यहाँ पर बता दी हैं बहुत आसानी से, और ये आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से हमारी कॉस्टिंग की है हमने और इस तरह से इस टैंक की है। तो ये देखें इसमें कि एक्सकेवेशन हमारा 24.18, फाउंडेशन में कंक्रीट का काम 9.67 क्यूबिक मीटर, और ब्रिकवर्क जो हमारा है ग्राउंड लेवल तक वो 3.48 क्यूबिक मीटर, और ब्रिकवर्क जो हमारा ग्राउंड लेवल से ऊपर है वो हमारा रहा 5.76। तो इन सभी के हमने क्रॉस बर्निंग रेट यहाँ पर बता दिए, जब रेट का टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट आती है हमारी 88,638 रुपये। और अगर हम कहते हैं पर स्क्वायर मीटर, तो हमारा एरिया कितना है 5.6 × 4.6, तो सेंटर लाइन की लंबाई 5.6 और सेंटर लाइन की चौड़ाई कितनी है 4.6, तो एरिया कितना कवर हो गया 5.6 × 4.6, इससे डिवाइड किया तो 3,441 रुपये पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसके बाद रेट पर स्क्वायर फिट, यानी कि जो हमारी कॉस्ट आ रही है कितनी, ये रेट आ रहा है 3,441 रुपये पर स्क्वायर मीटर, और एक स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फिट होते हैं। ठीक है, तो इसको हमने किया है 10.76 से डिवाइड किया है तो 319 रुपये 80 पैसे, तो 319 रुपये 80 पैसे, उन्होंने 320 रुपये मान लिया, तो 320 रुपये पर स्क्वायर फिट। ठीक है, अगर टैंक जो हमारा 1 फिट बाई 1 फिट का है तो उसकी कॉस्ट आएगी हमारी 320 रुपये पर स्क्वायर फिट। ठीक है, रनिंग मीटर में हमने कैसे किया है कि टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी 88,638 रुपये, और टोटल सेंटर लाइन की लंबाई कितनी है, वही आपकी 5.3 + 5.3 + 4.3 + 4.3, तो इससे लंबाई कितनी है 19.2 मीटर आ गई, इससे डिवाइड कर दिया तो 4,616 रुपये पर मीटर का रेट आ गया, और फिट में करें तो एक मीटर 3.28 फिट होता है, उससे हम डिवाइड कर दें तो 4616 डिवाइड 3.28, तो इसका माना जाएगा 1407 रुपीज़। ठीक है, तो एक फिट लंबाई अगर हम देते हैं तो इट विल कॉस्ट 1407 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो को देखते रहें, और इसमें किसी भी तरह की अगर आपको लगती है कि कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह कोई कॉमेंट है, तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा, और ये वीडियो मैंने सामने डिस्प्ले की है, और इस तरह वीडियो को देखते रहें, और किसी तरह कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। चलेगा, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़।